मैं भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग को यहां से जल्द निकाल लें। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों इस समय आप हर एक न्यूज चैनल पर यही सुन रहे होंगे, तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन क्या आपको मालूम है तालिबान क्या है और क्या चाहते हैं? हर एक लोगों के मन में चाहत होगी तालिबान के बारे में जानने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की सरकार गिर चुकी है और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी देश छोड़कर भाग चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि वो तजाकिस्तान गए हैं और कुछ ऐसा कहते हैं कि वो उज्बेकिस्तान गए हैं। खैर वो कहीं भी गए हों, लेकिन एक चीज तो तय है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से गिर चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर लाखों की संख्या में अफगानिस्तानी सोल्जर्स होने के बावजूद वो तालिबान के हजारों सोल्जर्स को क्यों नहीं हरा पाए? आखिर आज अफगानिस्तान के क्या हालात हैं? किस तरह वहाँ की जनता रह रही है और इस पर भारत क्या कर सकता है? दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों इस समय अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि तालिबानियों ने पूरी तरह से इस शहर पर कब्जा जमा रखा है। अब दुनिया भर के अलग अलग देश जिनके सिटीजन अफगानिस्तान में रह रहे थे उन्हें वापस बुलाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। प्लेन भेजे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं ताकि हर देश अपने लोगों को अपने देश वापस बुला सके। पर हजारों की संख्या में अफगानिस्तान के लोग अपने मुल्क को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पता है तालिबान के कब्जे के बाद उनका मुल्क पूरी तरह से बदल जाएगा, उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होगी। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों अपने हजारों सैनिकों के साथ तालिबान अफगानिस्तान के लाखों सैनिकों को हराने में कामयाब रहा? दोस्तों अगर हम इसका सीधा जवाब दें तो अफगानिस्तान में करप्शन की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहाँ के प्रेसिडेंट अपने लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अब ये बात तो आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, ठीक उसी तरह कुछ अफगानिस्तान के अधिकारियों ने तालिबान की पूरी मदद की और आज उसी की वजह से अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी पहले देश छोड़कर भाग चुके थे, क्योंकि जैसे ही जंग चरम सीमा पर पहुंची इन्होंने सोचा यहाँ से भाग निकलने में भलाई है। अब जाहिर सी बात है जब लीडर ही पीछे हट गया तो सैनिकों को लड़ने का क्या फायदा? इन सब के बावजूद जो सैनिक अपने देश के लिए लड़ना चाहते थे उन्हें पर्सनल मैसेज करके धमकाया गया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदा छोड़ देंगे। ऐसे में कोई भी इंसान सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचेगा, तब जाकर अपने देश के बारे में सोचेगा, और यही चीज सभी ने की, जिसका परिणाम ये है कि आज तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले चुका है। हालांकि ऐसा होने का एक बड़ा कारण यूएसए का अमेरिकन आर्मी को अफगानिस्तान की ज्यादा मदद न करना देना है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी तो लड़ने के लिए तैयार है लेकिन यूएस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और यही सब कारण है कि आज तालिबान इतना ज्यादा मजबूत बन गया है। अब तो तालिबान कब्जा कर ही चुका है, ऐसे में सवाल है कि इसका वहां की आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तालिबानियों का अफगानिस्तान में आना मतलब उनकी जिंदगी को पूरी तरह से नरक बना देना है, खास करके तब जब तालिबान वही नियम कानून लागू करता है जो उन्होंने 1996 और 2001 में किए थे। और यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट में लोग देश छोड़कर भागने के लिए इतने ज्यादा पागल हैं कि हवाई जहाज के ऊपर चढ़कर अपनी जान को खतरे में डालने को मजबूर है, लेकिन तालिबानियों के राज में अफगानिस्तान में रहने को मजबूर नहीं है। अब ये तो खबरें सामने आने लगी हैं कि अफगानिस्तान की लड़कियों और औरतों को जबरदस्ती अगवा किया जा रहा है ताकि वो तालिबानियों से शादी कर ले। वहाँ के कई सारे नौजवान लड़कों को तालिबान के संगठन में ज्वाइन होने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो वहाँ के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा जो नर्क होगा वो महिलाओं के लिए ही होगा, क्योंकि तालिबानी कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला बाहर जाकर पढ़ाई करे या काम करे। ऊपर से हर महिला का बुर्का पहनना जरूरी था, अगर कोई महिला ऐसे नहीं करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। पर अब जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया है उनका ये कहना है कि हम अपने नियम कानून बदल दे रहे हैं, हम ये चाहते हैं वहाँ की महिलाएं भी पढ़ाई करें और घर से निकलकर काम करें, यहाँ तक कि बुर्का पहनना भी जरूरी नहीं है,
बस महिलाओं का हिजाब पहनना जरूरी है। पर दोस्तों ये तो केवल कहने की बातें हैं। सरकार बनने से पहले हमारे देश में भी कई सारे वादे किए जाते हैं जिनका पूरा होने का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता। ठीक वैसा ही अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों जब ये सारी चीजें हो ही रही है तो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने अपनी एम्बेसी को अफगानिस्तान से हटा दिया है। केवल चाइना और रशिया दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी भी अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान से नहीं हटाई है। तो जाने अनजाने में ये बात इस तरह इशारा करती है ये दोनों देश तालिबान के साथ है। यहाँ तक कि चाइना ने तो ये भी कह दिया है कि वो तालिबान की नई बनने वाली सरकार से दोस्ती बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना अपना विस्तार करना चाहता है, इसलिए चाइना तो अपना हाथ बढ़ाएगा ही। पर अगर तालिबान ने चाइना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो ये थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि एक तरफ तो तालिबान ये कहता है कि हम मुस्लिमों के हक के लिए लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से हाथ मिलाना, क्योंकि चाइना तो वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ रहता है। ऐसे में देखना है कि आगे क्या होगा। दोस्तों अब आप मुस्लिम संगठन तालिबान के अफगानिस्तान में राज करने की वजह और मौजूदा हालात के बारे में सब कुछ जान गए, पर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर भारत इसमें क्या कर सकता है। तो दोस्तों हमारे भारत के लिए भी ये कोई आसान बात नहीं है। जहाँ उनके सामने दिक्कत यह है क्या भारत तालिबान को सपोर्ट करे, या फिर इंडिया तालिबान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपनी आर्मी भेजे, या फिर क्या तालिबान पर ये प्रेशर बना जाए कि वो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इलेक्शन करवाए, या फिर तालिबान को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वैसे भारत में इस विषय पर कई सारी चर्चाएं चल रही है, और जिस हिसाब से हम इस चीज को देख रहे हैं उसे देखते हुए यही लग रहा है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। वो किसी न किसी तरीके से तालिबानियों द्वारा किए गए इस कांड को ठीक करने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो बातचीत से हो या फिर गोली बारूद से। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।